तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि झारखंड में विकास जीतेगा, विपक्ष के पास कोई विरोध का आधार नहीं, डबल इंजन की सरकार का लाभ झारखंड को मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए जरूरी है कि उनकी अधिक सहभागिता हो। उनसे बात की सहयोगी राजेश कुमार ने। जनता पार्टी की नेत्री, राष्ट्रीय नेत्री मीनाक्षी लेखी जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें चुनाव प्रचार अभियान में आई है, क्या लग रहा है आपको माहौल? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और उसका कारण जो है वो नरेंद्र भाई की केंद्र की नीतियां और राजेश की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, दोनों का जो मिलकर ज़मीन पर काम हुआ है वो बहुत अच्छा अनुभव लोगों के जीवन में लेकर आया और आज तक जो क्षेत्र के प्रदेश के लोग हैं उनको इस तरीके की सुचारू रूप से काम करने वाली सरकार पूर्व में नहीं मिली थी। 5 में से 1 चरण तो पूरा हो गया, आज 13 सीटों पर वोटिंग हो गई, और आपको क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। कुछ ने आपने कैलकुलेट किया है या कहीं गैदर किया है इन्फॉर्मेशन? देखिए वो तो वो सब काम तो जिन लोगों का काम है डाटा कलेक्शन करना, बात करना, वो करते ही रहते हैं। हम तो आम जनता को मिलते हैं, कुछ खास वर्ग के लोगों को मिलते हैं, आप जैसे लोगों को मिलते हैं, बाकी जनता से बात होती है, तो हमारा अंदाज़ा है कि बहुत अच्छा गया प्रथम चरण, भाजपा के हक में बहुत अच्छे से संख्या आने वाली है। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मोदी फैक्टर काम कर रहा है या रघुवर फैक्टर काम कर रहा है या दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं? दोनों फैक्टर, और दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग नहीं है, और यही कारण है कि हम जब बात करते हैं तो वो डबल इंजन वाली गाड़ी दिखाई देती है। उसका कारण है, मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहाँ सिंगल इंजन भी काम नहीं करता। आसू सहयोगी पार्टी थी लेकिन वो पता नहीं किस कारण से, अभी लोगों के कारण से हट गई। हमारे कारण से नहीं होता जी, तो कारण तो राजनीतिक, महाराष्ट्र का कारण आपको पता है? महाराष्ट्र का कारण तो आपको पता है? नहीं, टकराव हुआ होगा। पार्टी में टकराव नहीं होता, राजनीति है, और राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षा लोग रखते हैं, और महत्वाकांक्षा कई बार ऐसे भी रखते हैं जो अपने अनुसार नहीं होती, इसलिए महत्वाकांक्षा है वो अलग है, वो अपने दल से राजनीति करें, हम अपने दल से करेंगे और देखते हैं किसका क्या आंकड़ा आता है। जरूरत पड़ी या ना भी पड़ी तो क्या आप गठबंधन के इस सहयोगी दल को आप रखेंगे साथ? तो बोला है वो, तो उसमें कोई बात ही नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और पूर्ण रूप से हम उसमें प्रयासरत हैं और हमारे सहयोगी दल भी हमारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन हम अब पूर्ण बहुमत की अपनी ही सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। मीनाक्षी जी पूरी तरह से आश्वस्त है कि झारखंड में जो माहौल है या जो काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में, उससे बहुमत मिल ही जाएगा और 23 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा फिर खुशियां मनाई जाएगी और केंद्र के भी कई नेता संभवतः ये भी आए यहाँ पर सरकार गठन के जो मुहूर्त निकलेंगे। कैमरामैन पवन के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।